देखिएगा बच्चों, कल जो है, कल कई दिन से, दो दिन से लगभग पढ़ा रहे हैं, दो दिन के बाद, तो देखिए बच्चों ऐसा है। अब इसमें हमने पढ़ाए हैं तुम्हें ओम का नियम पढ़ाया, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ओम का नियम, और प्रतिरोध के बारे में बताए, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न आता है प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन श्रेणी क्रम में कीजिए, श्रेणी क्रम में कीजिए, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में तुम्हें करनी है, तो किस तरह से करते हैं, पहले श्रेणी क्रम समझ लिए। श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम जैसे माना कि देखिए ये एक तार है, इस तार से ये उपकरण लगा है, फिर इसी उपकरण से दूसरा उपकरण लगा हो, फिर इसी से तीसरा लगा हो, इसी से चौथा लगा हो, ठीक है, और इसका अंतिम सिरा बैटरी के जेड सिरे से जुड़ा हो, ठीक है, किससे जुड़ा हो, जेड सिरे से। ऐसा अगर संयोजन है तो उसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम मीन्स जो होता है पहले प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध माने बल्ब होगा, बैटरी होगी, यानी हीटर हो सकता है, पंखा हो सकता है, यानी जो धारा को रोकता हो, ठीक है, तो कोई भी उपकरण होगा। फिर उस उपकरण का उसी से संबंध दूसरे से कर देते हैं, उसी का संबंध तीसरे से, चौथा आगे कर देते हैं, फिर अंतिम सिरा जो हम जोड़ते हैं बैटरी के रीड सिरे से। अगर इस प्रकार का अगर संयोजन है तो उसे हम कह देते हैं क्या? श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम समझ गए। और एक होता है समांतर क्रम, वो बाद में बताते हैं, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में, इसके बारे में थोड़ा समझने हैं। तो इसमें एक चीज अलग होगी, जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, ये बल्ब मान लीजिए 100-100 वाट के हैं, कितने कितने के, 100-100 वाट के बल्ब है मान लीजिए, ठीक है, क्या क्या वाट के हैं, 100-100 वाट के। तो तुम देखते हो पहला बल्ब जो है ज्यादा चमकेगा, दूसरा थोड़ा कम चमकेगा, तीसरा और कम चमकेगा, और चौथा और कम चमकेगा। लेकिन इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब उनमें चमकाहट जो है, यानी अर्थात करंट कम है, तो कहेंगे पहले बल्ब में वोल्टेज ज़्यादा है, दूसरे में वोल्टेज कम पहुंच पाया, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, अर्थात इसमें विभव जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तो उनके विभव जो होंगे वे अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कर लेते हैं, तो देखिएगा चित्र, देखिए इसका श्रेणी क्रम का किस तरह से हम बनाते हैं। कल्पना हम करते हैं तीन प्रतिरोधों से, कितने से करते हैं, पहला प्रतिरोध ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों प्रतिरोध इस तरह से अगर जुड़े हैं, इस तरह, ठीक है, और एक की लगा देते हैं माइनस की ओर, किधर लगाते हैं बच्चों, माइनस रे की ओर की लगाते हैं हमेशा, R1, R2, R3, इसका विभव मान लीजिए V1 वोल्ट है, इसका V2 है, इसका V3. लेकिन धारा सभी में समान होगी I एम्पियर, ठीक है, धारा सब में कैसी होगी, समान होगी I एम्पियर, लेकिन विभव सबके अलग अलग होंगे। तो तीन प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में समायोजित करते हैं। तो इन ये तीनों प्रतिरोध हैं, इन तीनों प्रतिरोधों को हमने जिस क्रम में जोड़ा है वो श्रेणी क्रम है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं, जैसे ए और बी है, परिभाषा कैसे लिखते हैं, देखिए पहले प्रतिरोध का, पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से, तथा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है, और अंतिम सिरा बैटरी के रीड सिरे से जुड़ा हो, इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है।
तो परिभाषा लिख लेते हैं, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं। तो कैसे लिखते हैं, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से, ठीक है, तथा दूसरा सिरा, ठीक है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे, ठीक है, तथा दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, पहले सिरे से जुड़ा हो और अंतिम सिरा, ठीक है, बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हो, ठीक है, जुड़ा हो। इस प्रकार तीन संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद इसका आर्टिकल कैसे प्रूफ करते हैं, यानी श्रेणी क्रम में किस तरह से कुल प्रतिरोध निकालते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं, माना तीन प्रतिरोध, नागे लोहाई, तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में हुए हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में हैं, ठीक है, जिनके विभव B1, B2, B3 है, तथा I एम्पियर धारा बह रही है। I एम्पियर क्या बह रही है? धारा बह रही है। तो नीचे लिखिए, पहले ओम के नियम से, क्या लिखते हैं, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या था? बी बराबर, बताओ अमन, ओम का नियम क्या था? बी बराबर आई आर। ओम का नियम क्या था? बी बराबर आई आर। मान लीजिए पहला विभव है, कौन सा विभव है? पहला। तो B1 बराबर, जिसमें प्रतिरोध क्या है? R1, तो BR1। मान लीजिए दूसरा विभव है, प्रतिरोध का है? R2। मान लीजिए तीसरा विभव है, तो प्रतिरोध का है? R3। तो इस तरह से तीनों प्रतिरोधों को हम इस तरह से कुल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, तीनों प्रतिरोधों के विभव अलग अलग निकाल लिए, अब कुल विभव निकालने हैं, तो तीनों को हम जोड़ देते हैं। तो इधर लिख देते हैं, ठीक है, देखिए बच्चों, तो लिखिए कुल विभव बी
हो तो b बराबर b1 प्लस b2 प्लस b3, b माने ir, ठीक है, ir1, ir2, ir2, ir3, तो ir लिख लो, i कॉमन ले ले, r1 प्लस r2 प्लस r3, i से आई गई कट, तो j बचा है अगर r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है, ये कुल प्रतिरोध बच्चों निकल के आता, ठीक है, समांतर यानी श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध तुम्हारा r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, ये तुम्हारा आर्टिकल प्रूफ होता है। अब इसे जरा नोट कर ले और इसे याद भी कर ले और इसे लिख भी ले, ठीक है, ये बच्चों चित्र में देखनी है, ठीक है, इसे याद भी कर ले और लिख ले और समझ ले, समझे, फिर उसके बाद अभी आर्टिकल अगला बताएं, अगला समांतर क्रम वाला भी बताएंगे, ठीक है, तब तक नोट करिए। हाँ, अब देखिएगा बच्चों, अब प्रश्न अगला आता है, प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में कीजिए, ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन किस क्रम में करने है, समांतर क्रम में, देखिए समांतर क्रम में जो अगर हम वायरिंग करें घरों की तो सबसे बेस्ट मानी जाती है, कैसी मानी जाती है, बेस्ट, यानी हर प्रतिरोध का अलग संबंध होना चाहिए, ठीक है, एक ही परपथ से हर प्रतिरोध की अलग अलग बटन होनी चाहिए, यानी बल्ब वाली बटन उसमें अलग हो, समझ गए, हीटर वाली बटन अलग हो, समझे, पंखा वाली बटन अलग हो, इस तरह की अगर बटने उसमें अलग हैं तो उसे हम बोल देते हैं कौन क्रम, समांतर क्रम। जैसे मान लीजिए बल्ब कितने हैं, एक बल्ब जे लगा है, देखो एक मान लीजिए जे युक्ति है, देखो इधर जे बैटरी मान लीजिए है, जे बैटरी है, इस बैटरी से हम क्या करते हैं, किस तरह से इस बैटरी से हमने एक यहाँ पे परपथ बनाया, ठीक है, इसमें कई स्विच लगाए, ठीक है, इस तरह से कई स्विच लगाए थे, उसके बाद क्या करते हैं, अगर समांतर क्रम का मतलब समझिए, जैसे इसी से एक स्विच निकाल के ले गए, इसमें हमने लगा दिया पंखा, क्या लगाए हैं, पंखा, यहीं से दूसरों स्विच निकाल के ले गए तो उसमें लगा दी हमने प्रेस, क्या लगाई, प्रेस, तीसरों निकाल के गए तो उसी में हमने लगाए दो का मान ले मोटर, टिल्लू पंप वगैरह कुछ इस तरह से, कहने का मतलब ये एक ही बिंदु से अर्थात एक ही केंद्र से एक ही परपथ से तमाम से उपकरण अगर जुड़े हों तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज समान रहेगा, समझिए, इसका जैसे बल्ब तुमने यहाँ से लगाओ, मान लियो इन बल्ब ही लगो है 100 वाट को, जब इन तक 100 वाट को बल्ब लगो है, जब इन तक 100 वाट, अब ये बल्ब जो होंगे बराबर चलेंगे क्योंकि वोल्टेज एक समान रहेगा, अब लोड पड़ेगा सिर्फ किस पर, परपथ पर, समझिए, कह पर ये जो भी फॉल्ट हो ये परपथ पर हो ये फॉल्ट, ठीक है, और श्रेणी क्रम में, और अगर मान लीजिए एक कोई परपथ टूटता है तो एक ही लाइन तुम्हारी बंद हो है और बाकी की लाइन चालू बनी रहे, और श्रेणी क्रम में का सिस्टम है, जैसे इसका ये जुड़ा है, इसका ये इस तरह से जुड़े हैं, फिर अंतिम सिरा जुड़ो है मान ले बैटरी के माइनस थ्री से, इस तरह से जुड़े हैं, अगर इसमें से कोई लाइन बीच में फॉल्ट होती है, मान ले यहाँ से ये टूटा, ठीक है, यहाँ से तार ये फॉल्ट हुई, अब यहाँ से फॉल्ट हुई तो इतने सब उपकरण ये बंद हुई है क्योंकि कनेक्शन वहाँ से कट गया, और समांतर कर, और इनमें एक कमी रहेगी, इसमें पूरा लोड जो है एक ही तार पर पड़ेगा और इसमें देखो अलग अलग है तो इन तारों पर लोड नहीं पड़ेगा, पूरा सर्किट पर ही परपथ पर ही लोड पड़ेगा, ठीक है, जो भी फेस एस जोड़े हैं सो जई कोड़े हैं, समझे, यानी इस तारों से कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर एक भी लाइन अगर टूटती है तो मान लीजिए तो वही उपकरण बंद हो जाए बाकी के चालू बने, ठीक है, तो घरों की वायरिंग किस क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में, जैसे घर के
बिल्डिंग की जो वायरिंग है वो समांतर क्रम में है, यानी बटन पंखा वाली बटन अलग है, बल्ब वाली बटन अलग है, एलसीडी वाली बटन अलग है, कैमरा वाली बटन अलग है, सब अलग अलग है बटने। तो इससे निष्कर्ष निकलता है अपने स्कूल की जो वायरिंग है वो कौन क्रम में है, समांतर क्रम में। अब पूछ दे कोई एग्जामिनर आए और पूछे तुम लोगों को वायवा में कि बताइए तुम्हारे स्कूल की वायरिंग किस क्रम में है, तुम कौन से क्रम में बोले हो? समांतर क्रम में बोले हो, ठीक है। तो समांतर क्रम होता क्या है? समांतर क्रम का मतलब ये होता है, देखिए सभी प्रतिरोध एक ही बिंदु से निकले, सभी प्रतिरोध किससे निकले? एक ही बिंदु से निकले, अर्थात एक ही परपथ से सभी प्रतिरोध जुड़े हों, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम कहते हैं, ठीक है। जरा चित्र देख लीजिए, चित्र किस तरह से हम बनाते हैं, कल्पना कर लेते हैं प्रतिरोध तीन है, इस तरह से देखिए, एक प्रतिरोध जे है, एक प्रतिरोध जे है, इसमें क्या होता है, इसका विभव समान रहता है, ठीक है। यूं इस तरह के अगर जुड़े हुए हैं तो समझ लेते हैं कौन से क्रम है जी, कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है, ठीक है, ये समांतर क्रम बोलते हैं, ठीक है। देखो पहले देखिए तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे, परिभाषा एक और बन के तैयार होगी सरल बिल्कुल, तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरे सिरे बैटरी के ऋण सिरे से जुड़े हों, इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? आई एम्पियर तुमने धारा बही, धारा बह रही है आई एम्पियर की, बहने के बाद यहाँ से तीन जगह ट्रांसफर हुई, यहाँ गई, यहाँ धारा मान लीजिए आई वन गई, यहाँ धारा मान लीजिए आई टू गई, और यहाँ धारा मान लीजिए आई थ्री गई। प्रतिरोध पहलो आर वन है, दूसरो आर टू है, तीसरो आर थ्री है, इनका विभव समान होगा। क्या समान होगा? विभव समान होगा, क्योंकि वोल्टेज समान रहेगा, कम ज़्यादा बल्ब नहीं होंगे, श्रेणी क्रम जैसा सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चित्र बना लेते हैं, परिभाषा किस तरह से हम लिखते हैं देखिए, यहाँ हेडिंग डालिए समांतर क्रम, समांतर क्रम, ऐसे तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे बैटरी के धन सिरे तथा तीनों प्रतिरोधों के ऋण सिरे बैटरी, तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे, कौन से सिरे? दूसरे सिरे बैटरी के ऋण सिरे से जुड़े हों, ठीक है, जुड़े हों, तो इस संयोजन को, संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए बच्चों, अब इसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आई है, तो फॉर्मूला के बारे में समझ लो कैसे। मान लेते हैं, माना तीन प्रतिरोध आर वन कोमा आर टू कोमा आर थ्री, ठीक है, समांतर क्रम में है। कौन क्रम में है? समांतर क्रम में है, ठीक है, और जिसमें विद्युत धारा क्रमशः आई वन कोमा आई टू
कोमा आई थ्री बह रही है, ठीक है। ठीक, इसका विभव V नियत होगा, विभव समान हो या भी, ठीक है। अब लिखते हैं ओम के नियम से, ओम को नियम जानते हो कि नहीं, ओम ना होते तो बहुत दिक्कत हो जाती। ओम के नियम से का होता है बी बराबर आई आर, होता है सूत्र ओम का नियम। अब यहां से आई का मान निकाल लीजिए क्योंकि आई बदल रही बार बार, तो लिख लेते हैं आई बराबर बी बटे आर, ठीक है। मान ले प्रतिरोध तुम्हारा पहला है, कौन सा प्रतिरोध है, पहला। पहले प्रतिरोध में धारा तुम्हारी कितनी है, आई वन है, विभव समान है, प्रतिरोध आर वन है, समीकरण नंबर एक, ठीक है। मान लीजिए दूसरा प्रतिरोध है, धारा कितनी है दूसरे में, धारा कितनी बह रही है दूसरे प्रतिरोध में, बताओ, आर टू तो प्रतिरोध है, धारा कितनी बह रही है दूसरे प्रतिरोध में, आई टू का दे, आई टू बह रही है धारा, ठीक है। तो आई टू बराबर क्या होगा, बी बटे आर टू, समीकरण नंबर दो। अब प्रतिरोध कौन सा है, तीसरा, तीसरे प्रतिरोध में धारा क्या बह रही है, आई थ्री, विभव तो समान ही है, बटे आर थ्री, समीकरण नंबर तीन, ठीक। अब प्रश्न में यह कह रहे धारा सब इकट्ठी होगी एकदम बैटरी में होगी, अब इसके बाद कुल धारा कितनी भाई, तो यहां लिख रहे कुल धारा आई बराबर जोड़ दो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, कोई दिक्कत, तो आई बराबर क्या निकल के आई ऊपर, बी बटे आर, तो बी बटे आर वन प्लस बी बटे आर टू प्लस बी बटे आर थ्री, मान रख लिए सब, कॉमन क्या लेते हैं ऊपर से, बी कॉमन ले लें, तो का बन क्या आई वन बटे आर वन प्लस वन बटे आर टू प्लस वन बटे आर थ्री, बी से भी कैंसिल आओ, तो वन अपॉन आर इक्वल वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, दैट्स ऑल, ये तुम्हारा आंसर है। समांतर क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध बराबर ये सूत्र निकल के आता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये सूत्र तुम नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इसे याद भी करना है और लगाने भी है, इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। अब देखिए, और इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन अब कल कराएंगे, ठीक है। अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और सही बच्चे से तैयार जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। तेज भाई, तेज को चलो यार, मास्टर।